गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? चलिए फिर पढ़ेंगे। आज हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़े हुए थे और पोजीशन वेक्टर, तो आइए उसमें कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं और थोड़े कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहला काम करो, एक नोट लिखो। Sum of all the vectors in a closed loop is zero. जैसे मान लीजिए आपके पास ऐसा ट्रायंगल है और ये ऐसा है और ये ऐसा है, ये O है, A है, B है, ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, वेक्टर C है, ठीक है? तो अगर आप ये क्लोज लूप में घूमते हैं तो पहले आपको क्या मिला? वेक्टर ए, देन क्या मिला? वेक्टर बी, देन क्या मिला? वेक्टर सी, इक्वल टू कितना? जीरो। अगर मान लो हम इसको ऐसा देखते हैं, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। अगर हम इसको ऐसा घूमते हैं, ठीक है, ऐसा घूमते हैं तो हम लोग क्या करें, ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और प्लस माइनस वेक्टर सी। ऐसा क्यों किया सर? क्योंकि वेक्टर ए की डायरेक्शन में गए हैं, वेक्टर बी के डायरेक्शन में गए हैं, बट वेक्टर सी के अपोजिट डायरेक्शन में गए हैं, तो इक्वल टू क्या लिखेंगे? जीरो। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और इक्वल टू वेक्टर सी। ऐसा हम लोग समेशन ऑफ वेक्टर में भी पढ़े हुए हैं, ठीक है? तो ये क्लियर है आपको। चलिए एक और सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। आइए, मान लीजिए आपके पास ऐसा है, ये क्वेश्चन भी है, थ्योरी भी है, कंसेप्ट भी है। मान लीजिए वेक्टर ए है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है और ये मान लीजिए ऐसा है, ये ए बी सी डी ई। मान लीजिए वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, वेक्टर सी, वेक्टर ये डी है वे और वेक्टर ई। ऐसा आप घूम जाइए, जब ऐसे आप घूमेंगे तो पहले आपको क्या मिला? वेक्टर ए मिला, तो लिखो वेक्टर ए। फिर कौन मिला? वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी। फिर कौन मिला? सी, तो वेक्टर सी। फिर कौन मिला? डी, तो वेक्टर डी। फिर कौन मिला? ई। तो इन सब वेक्टर के डायरेक्शन में हम गए हैं, तो हमने क्या लिखा है? इन सब वेक्टर के डायरेक्शन में गए हैं, इन सारे वेक्टर की डायरेक्शन में हम गए हैं, तो हमने क्या लिखा है? प्लस साइन लिखा है। जिस वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो हम वहां पर क्या लिखेंगे? माइनस साइन लिखेंगे। तो ये क्या है? अपोजिट में हम नीचे आ रहे हैं, इसका डायरेक्शन ऊपर है, तो हो जाएगा प्लस माइनस वेक्टर बी बराबर जीरो। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी इक्वल टू वेक्टर ए। तो समेशन ऑफ वेक्टर जब भी कर रहे होंगे तो हम लोग ये कंसेप्ट भी यूज कर सकते हैं। डीबीपी में पहला क्वेश्चन इस कंसेप्ट पे बेस्ड है, तो आप उस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कीजिए, ठीक है? चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक। दूसरा नोट आपके पास कैसा है? अगर मान लीजिए हमारे पास ऐसा था, ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था और ये रिजल्टेंट वेक्टर था आर, एंड दैट इज मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। यहाँ पर एंगल थीटा था, ये आपके पास बी साइन थीटा था और ये था आपके पास बी कॉस थीटा। दिस इज एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विथ वेक्टर ए। अल्फा इज द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विथ वेक्टर ए। आइए, हमारे पास क्या होता था? टैन अल्फा इक्वल टू, ये बड़ा वाला ट्रायंगल अगर हम ले रहे हैं तो ये क्या है? अपोजिट है और ये क्या है? एडजेसेंट है। तो टैन थीटा क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। क्या होगा बेटा? बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है? आर इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए। अगर रिजल्टेंट ए पर परपेंडिकुलर है तो क्या होगा? अल्फा बराबर 90 डिग्री। हम लोग जानते हैं बच्चों टैन 90 क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। तो हमारे पास ये हो जाएगा टैन 90 इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा।
ये हो गया इन्फिनिटी। ये कोई भी रेशनल नंबर इन्फिनिटी तभी होगा जब उसका डिनोमिनेटर जीरो होगा। डिनोमिनेटर कौन सा है इसमें, ये है, ये कौन है, ये न्यूमरेटर है, ये कौन है, डिनोमिनेटर है। तो डिनोमिनेटर को जीरो कर दो, क्यों, क्योंकि आर परपेंडिकुलर ए है, तो हमको डायरेक्टली समझ जाना पड़ेगा ए प्लस बी कॉस थीटा क्या है, जीरो है। अगर कहीं भी क्वेश्चन में मेंशन रहेगा रिजल्ट एट इज परपेंडिकुलर टू एनी ऑफ दैट वेक्टर, या नाम लेके बोलेगा रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, देन बी सॉरी ए प्लस बी कॉस थीटा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्योंकि टैन थीटा क्या होगा, 90 होगा, टैन 90 होगा, तो टैन 90 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इन्फिनिटी ये नंबर तभी होगा, ये वैल्यू इन्फिनिटी तभी होगा जब डिनोमिनेटर क्या होगा, जीरो होगा। तो डिनोमिनेटर जीरो होने के लिए हम लोग लिख देते हैं ए प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू जीरो, तो कॉस थीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो हमारे पास इस तरह से आपको एक रिलेशन मिल गया, जिसको डायरेक्ट लिखेंगे कैसे, आइए डायरेक्ट कंडीशन ये आएगा कि आपको ऐसे रिजल्ट याद रखना पड़ेगा कि रिजल्टेंट परपेंडिकुलर टू ए, देन कॉस थीटा इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी, ठीक है। और दूसरा केस इसमें यही हो जाएगा कि रिजल्टेंट परपेंडिकुलर टू बी, देन कॉस थीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो ये कहाँ से आया, वही से आया है, हम लोग एकदम ध्यान रखते हैं। अगर रिजल्टेंट ए पर परपेंडिकुलर रहेगा तो कॉस थीटा क्या रहेगा, माइनस ए बाई बी रहेगा। अगर रिजल्टेंट बी पर परपेंडिकुलर रहेगा तो कॉस थीटा क्या रहेगा, माइनस बी बाई ए रहेगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे, ठीक। इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जो नीट में आए हुए क्वेश्चन है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझा पाऊँ, हो सकता समझ में भी आए, हो सकता नहीं भी आए, अगर आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो अभी हमको इतना हैवी नहीं चाहिए, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको नीट लेवल क्वेश्चन कराऊँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, तो वेक्टर ए एंड बी दे आर सम इक्वल टू 18 एंड रिजल्टेंट इज 12, ठीक है। Also given R perpendicular to A, find out value of vector A and vector B. क्या क्वेश्चन है, दो वेक्टर है, उन दोनों का सम कितना है, 18 है, और रिजल्टेंट कितना है, 12 है। तो आपको बताओ तीसरी कंडीशन क्या है, R जो है perpendicular to A है, ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है। आइए क्या है बच्चे, हमको गिवन क्या है, टैन अल्फा इक्वल टू 9 इन्फिनिटी, क्योंकि आर परपेंडिकुलर ए है, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा माइनस ए बाई बी, ओके। आर इक्वल टू आपको 12 है और ए प्लस बी बराबर 18, तो ये वाला चीज उठा लेते हैं। अगर हम लोग सोल्यूशन की बात करें तो आर इक्वल टू होता है सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, आर कितना है 12, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस ए बाई बी, माइनस ए बाई बी लिख दो, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ये मिलेगा कितना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ टू ए और माइनस ए, माइनस टू ए स्क्वायर, तो क्या मिलेगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो 12 इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका दोनों तरफ स्क्वायर करेगा तो कितना होगा, 144 इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको और लिख सकता है 144 इक्वल टू बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए, ये पता है ना आपको, बी प्लस ए का वैल्यू कितना है अपने पास, 18, रख दो, ये हो जाएगा बेटा 144 इक्वल टू 18 इंटू बी माइनस ए, दिस इम्प्लाइज 144 अपॉन 18 इक्वल टू बी माइनस ए, ठीक है। ऐसे कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 2 9 जा 2 7 जा एंड 2 2 जा और 9 8 जा,
ये हो जाएगा b माइनस ए इक्वल टू ए। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानना था और ये इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या किया तुमने, b माइनस ए का वैल्यू निकाल लिया। चलो फिर से समझाते हैं क्वेश्चन क्या है। भले एक लेक्चर में एक ही क्वेश्चन हो बट समझ में आ जाए आपको, ठीक है। दो वेक्टर हैं, उनका सम कितना है 18 है, रिजल्टेंट उनका कितना है 12 है, और ये भी दिया है कि आर परपेंडिकुलर ए है, तो ए और बी का वैल्यू निकालो। हमने देख लिया सर ये है तो टैन अल्फा इनफिनिटी होगा तो कॉस थीटा कितना होगा माइनस ए बाई बी। आर हमको 12 दिया है, ए प्लस बी कितना दिया 18, तो आर को हम उठाए, आर बराबर इतना होता है तो आर बराबर इतना, यहाँ कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ से उठा के रख दिया, ठीक है। अब उसके बाद हमको ये मिला, फिर हम दोनों तरफ स्क्वायर किए तो ये मिला है, फिर हमको फेस को खोल दिया, फिर उसके बाद हमने 18 से डिवाइड कर दिया तो 8 आ गया, फिर हमको b माइनस ए का वैल्यू मिला, ठीक। अब क्या करो, b प्लस ए और b माइनस ए को सॉल्व करो। अगर हम लोग यहाँ पर क्या करें, हम लोग b प्लस ए बराबर 18 और b माइनस ए बराबर 8 जोड़ दो, जोड़ेगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 2b इक्वल टू 8 8 16 26, तो b इक्वल टू कितना 13, ठीक है। a प्लस बी बराबर कितना 18, a प्लस 13 इक्वल टू 18, a इक्वल टू कितना 5, समझे। आई होप आपको एकदम क्लियर है चीजें, और ऐसे बहुत सिंपल क्वेश्चन है बट ये लेवल कैसा है, नीट जैसा लेवल है। नीट में इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं, सिंगेज बुक आती है उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं, बीएम शर्मा में या सीबी सिंह में आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। फिलहाल भी आपको इतना हैवी लोड लेने की जरूरत नहीं है, अगर आपको समझ गया है तो ठीक है, ये समझने की कोशिश कीजिए या फिर मुझे से समझ लीजिए, फिर बाद में फिर से मैं समझा दूंगा, ठीक। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आप घर पे करिएगा और उसको कमेंट में आंसर कीजिए, ठीक। चलिए क्वेश्चन दे लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 लेंगे इसको ताकि आपको बताने में आसानी रहेगी वहां पे। तो आपके पास है कि 2 वेक्टर ए एंड बी, देयर सम इज 6 एंड रिजल्टेंट इज 3, ठीक है, एंड आर इक्वल टू कितना है 3, एंड also r perpendicular to a, find out vector a and vector b। जैसा हमने क्वेश्चन किया है बच्चों वैसा रिपीट करने की कोशिश करना, हो सकता है अभी जाए, हो सकता है नहीं भी आए, नहीं आए तो लोड लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। चलिए आइए बच्चों हम लोग देखेंगे डिस्प्लेसमेंट पर, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम लोगों ने पढ़ा हुआ था उस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो एकदम क्वेश्चन अलग ही और अलग मेथड से हम लोग इसको करते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक कार है, ठीक है, एक ऐसा कार है, थोड़ी सी डायरेक्शन पढ़ा देते हैं आपको पहले, ठीक है। डायरेक्शन की बात करें तो हमारे पास ऐसा जियोग्राफिक डायरेक्शन की बात करें तो ये है NEWS न्यूज, है ना। अब इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो ये एंगल कितना मानते हैं 45 डिग्री, इसको कितना हम लोग बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, ये भी एंगल हम लोग 45 मानते हैं, ठीक है। ये बोलते हैं इसको साउथ वेस्ट 45, इसको क्या बोलते हैं साउथ ईस्ट, ठीक है, इसको 45। ये बाहर की तरफ बोलते हैं आउटवर्ड और अंदर की तरफ इनवर्ड। तो जो बाहर होता है तो आउटवर्ड को हम लोग ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आउटवर्ड को हम लोग कैसा रिप्रेजेंट करते हैं, बबल में एक डॉट बना दिए, ठीक है, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इनवर्ड। तो इनवर्ड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बबल के अंदर क्रॉस बना दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है। तो टोटल कितनी डायरेक्शन हो गई, 10 डायरेक्शन हो गई, ठीक है। तो 10 डायरेक्शन कौन सी है, 1 2 3 4, और 4 ये बीच वाली, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट, 1 8 हो गया, बाहर की तरफ 9 और अंदर की तरफ 10 डायरेक्शन हो गई, ठीक है। अब क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन है मान लीजिए कार है जो ईस्ट की तरफ
ठीक है 10 मीटर चलता है, ठीक है, फिर वो 90 डिग्री राइट टर्न होता है, तो अगर ये जा रहा है तो राइट इसका किधर होगा, नीचे होगा, राइट टर्न होता है और ये 15 मीटर चलता है, देन ये राइट टर्न होता है, फिर ये लेफ्ट टर्न हो जाता है एंड देन 5 मीटर चलता है, तो ये पॉइंट ए से चला था तो पॉइंट बी पे चला पहुंचा है, तो ए बी जो वेक्टर है उसका मॉड निकालना है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मॉड। क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये कार है जो ऐसे जा रही थी, फिर राइट टर्न होके 15 मीटर चला, फिर लेफ्ट टर्न होके 5 मीटर चला है, पहले 10 मीटर चला है, तो ये डायरेक्ट जो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ए और बी के बीच का वो हमें फाइंड करना है एंड दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। आइए बच्चों, ऐसे क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए, ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं कि जहां से शुरू हुआ है ना वहां पे ओरिजिन मानना है, जहां से शुरू हुआ है क्या करना है वहां पे ओरिजिन मानना है, ठीक, और फिर जहां पे टर्न होगा फिर वहां पे ओरिजिन मानना है, फिर जहां टर्न होगा वहां पे ओरिजिन मानना है। तो सर ओरिजिन मान के करना क्या है, तो करना ये है बच्चों कि जहां पर हमने ओरिजिन माने है ना तो उसके राइट में हम लोग प्लस देते हैं, जैसे हम लोग 2D में पढ़ते थे ना 10th क्लास में कि ओरिजिन के राइट में प्लस, लेफ्ट में निगेटिव, ऊपर प्लस, नीचे माइनस, ऐसा लेते थे ना, तो हम लोग जब ऐसे जाएंगे तो जैसे यहाँ पर ओरिजिन मानना तो राइट में गए तो प्लस लेंगे, तो जैसे हम लोग आपको डायरेक्शन बताए हुए थे कल के लेक्चर में कि प्लस एक्स वाला आई कैप होता है, माइनस एक्स वाला आई माइनस आई कैप होता है, ऊपर प्लस जे कैप होगा और नीचे माइनस जे कैप होगा, चूंकि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये माइनस वाई है, ये माइनस एक्स है, तो प्लस एक्स डायरेक्शन में हम लोग प्लस आई डायरेक्शन मानेंगे, प्लस माइनस एक्स डायरेक्शन में माइनस आई मानेंगे, प्लस वाई डायरेक्शन में प्लस जे मानेंगे और माइनस वाई डायरेक्शन में माइनस जे मानेंगे, बट स्टार्टिंग पॉइंट को ओरिजिन मानेंगे और जहां पर टर्न होगा वहां भी हम लोग ओरिजिन मानेंगे और जितना मैग्नीट्यूड चला है और उसके साथ आई या जे जिस भी डायरेक्शन में गया होगा लगाते चले जाएंगे और सबको जोड़ देंगे तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा, फिर हम उसका मॉड निकालेंगे, ठीक। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम गए यहाँ से, तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया तो हम राइट में गए, कितना मीटर गए 10 मीटर गए, तो हमने लिखा 10 और किस डायरेक्शन में गए प्लस आई, तो क्या लिखेंगे 10 आई, फिर ओरिजिन है, फिर इसको फिर आपका टर्न हुआ है फिर आप इसको ओरिजिन मानिए, ओरिजिन माने फिर हम लोग कहाँ आ रहे हैं नीचे, इधर पे प्लस एक्स होता है, इधर पे प्लस वाई, इधर पे माइनस एक्स, तो इधर पे क्या होगा माइनस वाई, मतलब माइनस जे लेना पड़ेगा, तो क्या लिखोगे माइनस 15 जे, फिर यहाँ पे आए फिर टर्न हुआ तो फिर ओरिजिन मानो, किधर जा रहा है राइट में, कितना जा रहा है 5, तो कितना हो गया 5, कैसे जाएगा आई कैप में, तो आई कैप हो गया, ठीक है, तो ए बी वेक्टर जो होगा आपका 10 और 5 कितना होगा 15 आई कैप माइनस 15 जे कैप, इसका मॉड हमको निकालना है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो हमारे पास कोई वेक्टर है ए आई कैप प्लस बी जे कैप, तो हम इसको लिखते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ भी लिखेंगे 15 का स्क्वायर और प्लस माइनस 15 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 225 और प्लस 225 का अंडर रूट, तो कितना हो जाएगा 225 कॉमन ले लेगा तो हो जाएगा 1+1 तो आएगा 225, कॉमन लेगा तो ये अंडर रूट से बाहर आएगा ना तो हो जाएगा 15, तो ये हो जाएगा 15 और अंडर रूट 2 मीटर, तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, तो आई होगा आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर है, तो डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए एक क्वेश्चन और लेंगे तो आपको और समझ आ जाएगा, ठीक है, आइए देखते हैं।
ठीक है बच्चों, कोई पार्टिकल है जो ए से बी पॉइंट पर इस रास्ते से जा रहा है, तो आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या उसका मॉड निकालना है। क्या करोगे, जहां से स्टार्ट किया वहां पे ओरिजिन मानेंगे। क्या करेंगे हम लोग, जहां से स्टार्ट किया है वहां पे क्या मानेंगे, ओरिजिन मानेंगे। तो ओरिजिन मान लिया सर, ओरिजिन राइट में प्लस, लेफ्ट में माइनस, ऊपर प्लस, नीचे माइनस, तो कौन सा माइनस, माइनस वाई, माइनस वाई मतलब माइनस जे। तो हम जब यहाँ लिखेंगे सर ए बी वेक्टर, तो कितना लिखेंगे, माइनस फोर जे, क्यों, क्योंकि फोर आया और माइनस जे डायरेक्शन में आया। फिर यहाँ पे ओरिजिन मानेंगे, फिर मान लिया, फिर कहाँ गया, प्लस एक्स में, तो क्या लिखेंगे, प्लस टू वाई का, बहुत बढ़िया। फिर यहाँ पे ओरिजिन मानेंगे, फिर नीचे आएंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस थ्री जे। फिर यहाँ पे ओरिजिन मानेंगे, क्या लिखेंगे, प्लस सेवन आई। फिर यहाँ पे ओरिजिन माने ऊपर गए तो क्या लिखेंगे, प्लस एट जे। ऐसा क्यों लिखेंगे सर, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, फिर से लिखता हूँ, ये क्या है ए बी वेक्टर, क्या लिखा, माइनस फोर जे। फिर क्या लिखा, प्लस टू आई, हाँ। फिर क्या लिखा, माइनस थ्री जे, हाँ। फिर क्या लिखा, प्लस सेवन जे, हाँ। फिर क्या लिखा, सॉरी सेवन जे नहीं गए, सेवन आई ना, तो प्लस सेवन आई। फिर क्या लिखा, प्लस एट जे, एट जे क्यों प्लस में, क्योंकि तो ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर प्लस में रहेंगे। अब क्या करो, आई आई को एक साथ करो, जे जे को एक साथ करो, तो आई और आई, तो सात आठ, सात और दो नौ, तो जाएगा नाइन आई, जे कितना, सेवन जे, सॉरी ये सेवन आई है, जे कितना, माइनस थ्री जे और माइनस फोर जे, चार तीन सात, माइनस सात और प्लस आठ, कितना आ जाएगा, प्लस जे, मतलब माइनस सात और प्लस आठ, तो आठ माइनस सात किया ना तुमने, तो आठ माइनस सात कितना हो जाएगा, प्लस वन, तो कितना हो जाएगा, प्लस जे। अब इसका मॉड निकालना है, तो मॉड हो जाएगा बेटा अंडर रूट नाइन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, तो जाएगा एट्टी वन प्लस वन, कितना आएगा, अंडर रूट एट्टी टू, एंड दिस इज आंसर। समझ, चलिए आपको और सिंपल क्वेश्चन देता हूं, आप खुद करेंगे, आइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है ये आप करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू है आपका ये, ठीक। हमारे पास क्या है बच्चे, ये ऐसा एक पार्टिकल है जो ऐसा दो मीटर गया है, फिर ये कैसा गया है, चार मीटर गया है, फिर ये गया है वन मीटर गया है, फिर ये आया है कितना, सेवन मीटर आया है, फिर ये ऐसे गया है पांच मीटर, और ये बी पॉइंट है और ये ए पॉइंट है। तो आपको ए बी वेक्टर एंड उसका मॉड निकालना है और कमेंट में आंसर दे, ठीक है। तो बच्चों ज्यादा हैवी हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं बहुत ज्यादा पढ़ना चाह रहे हैं अभी से, ठीक है। आपको एकदम जल्दी में नहीं रहना है, डीपीपी क्वेश्चन सॉल्व करना, हमको डीपीपी के क्वेश्चन एकदम नीट लेवल है, तो जब अच्छे से पढ़ा देंगे या धीरे धीरे पढ़ाते जाएंगे तो क्वेश्चन बनेंगे, तो एकदम अचानक से नहीं जाना है, ठीक है।